प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर रेवाड़ी से। आपको बता दें कि रेवाड़ी से कांग्रेस के विधायक चिरंजीव ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि चिरंजीव हरियाणा के पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के पुत्र है, जिन्होंने हरियाणा में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर बड़ी बात कही है। आपको बता दें कि स्कूलों में कोरोना संक्रमित छात्रों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है। चिरंजीव का कहना है कि स्कूल खोलने के फैसले पर सरकार पुनर्विचार करे, और इसके साथ ही चिरंजीव ने बिहार चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि बिहार चुनाव में जिन भी नेताओं की ड्यूटी लगी थी उन्हें अपना फीडबैक देना चाहिए और आरोप प्रत्यारोप की बजाय हार पर समीक्षा करनी चाहिए, ये कहना है रेवाड़ी से कांग्रेस के विधायक चिरंजीव का। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो रेवाड़ी से आ रही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि रेवाड़ी से कांग्रेस के विधायक चिरंजीव ने हरियाणा में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि चिरंजीव हरियाणा के पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के पुत्र है, जिन्होंने हरियाणा में बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर बड़ी बात कही है। उन्होंने स्कूलों में कोरोना संक्रमित छात्रों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है, और उनका कहना है कि हरियाणा की सरकार स्कूल खोलने के फैसले पर पुनर्विचार करे। और इसके साथ ही विधायक चिरंजीव ने बिहार चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि बिहार चुनाव में जिन भी नेताओं की ड्यूटी लगी थी उन्हें अपना फीडबैक देना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप की बजाय हार पर समीक्षा की जानी चाहिए, ये कहना है रेवाड़ी से कांग्रेस के विधायक चिरंजीव का। तो बधाई देना चाहूंगा प्रशासन को कि रेवाड़ी को प्रथम स्थान मिला है, पर मैं तो कहीं ना कहीं इससे बिल्कुल लगता है रेवाड़ी अगर प्रथम स्थान पे है तो मुझे लगता है इनको जरूर, जिन्होंने ये चयन किया है उनको जरूर रेवाड़ी शहर के अंदर घूमना चाहिए, क्योंकि जगह जगह आप देखेंगे आवारा पशु यहाँ पर घूम रहे हैं। गंदगी की जो हालत रेवाड़ी के अंदर वो हम सबके सामने है। तो मैं तो बधाई देना चाहूंगा कि हमारे जिले को प्रथम स्थान मिला है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर इनको लगता है कि अच्छा काम किया है हमारे रेवाड़ी जिले में, तो और जिलों में या तो हो सकता है यहाँ से बहुत खराब हालत है, इस वजह से हमें प्रथम स्थान मिला है। पर अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है आवारा पशुओं के ऊपर, जो गंदगी शहर में बहुत ज्यादा है, कूड़े के ढेर जो लगे रहते हैं, इसके ऊपर प्रशासन को काम करना चाहिए। बिहार चुनाव पर अभी सलमान खुर्शीद साहब का भी कल ट्वीट था, कप्तान साहब का भी, क्या कुछ कहेंगे इस बारे? देखिए मैं तो यही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरी वहां पर आस्था के साथ लड़ाई लड़ी, कोशिश सबने करी, पर कई चुनाव में ऐसा हो जाता है कहीं हम हार जाते हैं कहीं हम जीत जाते हैं। जिन भी नेताओं ने वहां पर काम किया उनको अपना फीडबैक देना चाहिए, और मुझे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप करने से बेहतर यह है कि हम सब मिलकर समीक्षा करें कि क्या कमी हमारी रहेगी, उसके ऊपर हम काम करें। कांग्रेस पार्टी ने अच्छा चुनाव लड़ा, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपने मशीनरी का इस्तेमाल करके बहुत सारे प्रत्याशियों को हराया है, ये आप सब जानते हैं। ठीक है सर।